नाम इमरान कासिम, बादशाह वुशू अकेडमी का कोच हूँ और पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह वुशू अकेडमी की कोचिंग कर रहा हूँ। कभी हमने फीस का मसला किसी स्टूडेंट के लिए नहीं बनने दिया, अगर वो दें ठीक है, ना दें कोई मसला नहीं। जिन बच्चों से हमने फीस नहीं ली, अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चे जो है ना एशिया के चैंपियन बने हैं, पाकिस्तान के चैंपियन बने हैं। अगर हम फीस उनसे लेते और वो ना कर पाते तो आज पाकिस्तान को एशियन लेवल के चैंपियन भी ना मिलते। चैंपियंस जब भी निकले हैं वो एक गरीब तबके से निकले हैं, चाहे आप मोहम्मद अली क्ले को लें, चाहे आप माइक टाइसन को लें, इसी तरीके से और गेम्स के अंदर भी, क्योंकि इस तबके के अंदर ये ताकत और हिम्मत होती है कि वो उस हदफ को जो है ना अचीव कर सके जिसे हासिल करना मुश्किल होता है। इनमें हिम्मत होती है, इनमें एक हौसला होता है, ये अपनी गुर्बत से लड़ते हैं, रिंग में एक फाइट होती है फाइटर के साथ। लेकिन माइक टाइसन ये कहता था कि मैं अपनी गुर्बत के साथ लड़ता हूँ। मैं एमएमए अमेचर एमएमए के अंदर एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और किक बॉक्सिंग वुशू नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ और किक बॉक्सिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फाइट्स की है वो भी विन कर चुका हूँ। और सबसे पहले मैं इस एकेडमी में आया था, मैं फ्रूट मंडी में काम करता था। उस वक्त तो मेरे पास इतने ज़राए नहीं थे, एडमिशन वगैरह फ़ीस वगैरह बहुत थी, तो उस हमारे उस्ताद ने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया, मतलब फ़ीस वगैरह नहीं ली हमसे। मैंने जो गेम स्टार्ट किया ना वो 2014 से मैंने स्टार्ट किए। सबसे पहले बॉक्सिंग में फाइटें करते रहे, फिर किक बॉक्सिंग, फिर बीच में एमएमए, फिर वुशू। अब माशाल्लाह एमएमए में पाकिस्तान लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं और रशिया में अभी रिसेंटली गए थे, उसमें मैंने दो फाइटें विन की और तीसरी फाइट जो मेरी थी वो इंडिया के साथ थी मेरी फाइट, फिर इंजरी के वजह से मेरी वो फाइट हुई नहीं। इंटरनेशनल फाइट नाइट की कराची पाकिस्तान में और गोल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी नेशनल सिल्वर और आल पाकिस्तान डबल गोल्ड उठाया और 4 बार आल सिंह गेम्स गोल्ड और एक पाकिस्तान नेशनल सिल्वर मेडल बॉक्सिंग का और किक बॉक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह तक अनबीटेबल 5-6 फाइट किक बॉक्सिंग की जो थी जीती है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, और किक बॉक्सिंग में कोई अनबीटेबल नहीं। हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो इन नशों का शिकार थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 4 महीने 5 महीने 6 महीने वो क्लासेस करके आज अपने उस नशे से जाना छुटकारा हासिल कर चुके हैं। ये सोचता हूँ अगर यह नहीं होता पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, किस गैदरिंग में मैं बैठा रहता। ये अल्लाह का अलग अलग शुक्र है कि मैं यहाँ पर आया हूँ फिटनेस, और मैं अपने आप को ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ और उन लड़कों को जो देखता हूँ जो मेरे साथ थे बचपन में, और मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कितना चेंज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।